कति हिला ज्ञानाड़े। फिर मैं नावंती का के गिरी रे पथार, फिर मैं नावंती का के गिरी रे पथार, अरे गोपी चढ़ जब माना गोला कति हिला ज्ञानाड़े। फिर मैं नावंती का के गिरी रे पथार, फिर मैं नावंती का के गिरी रे पथार। चुका हूँ, अब मैं आपके साथ वापस नहीं जाऊंगा। पहले मैंने आपको बार बार समझाया कि माँ मेरी इतनी बड़ी गृहस्थी है, मेरा इतना बड़ा राजपाट है, मैं जोगी नहीं बन सकता। लेकिन मैनावंती नहीं मानी। एक माँ की ममता ऐसी होती है कि वो तो माँ ही जानती है। और पहली बात मैं अपने बेटे को क्या समझाने लगी, पट गई बेटे ते भर कोली डगराने लगी। महतारी का रोना सुन सब की छाती गहलाने लगी। महतारी का रोना की छाती गहलाने लगी। हेरे बादलों के आंसू टपके, रे बादलों के आंसू टपके, आसमान में शोर हो गया, मही का काल जा फाटा, रंज चारो ओर हो गया, समुंदर का पानी उफना, तूफानों का जोर हो गया, समुंदर का पानी उफना, तूफानों का जोर हो गया। अरे पत्थर के दिल कांप गए और रोने लगे पहाड़, फिर मैं नावंती आके पचार, फिर मैं नावंती आके गिरी रे गई। और मन में ये सोचा कि तेरे पिताजी तो हमें छोड़ के जा चुके, लेकिन मेरा बेटा इस दुनिया से नहीं जाना चाहिए। लेकिन मेहरबानों बताया है, जो इस दुनिया में आता है वो जाता जरूर है, कोई भी सदा के लिए नहीं आता। लेकिन माँ मैनावंती अपने बेटे को योग दिला देती है। और दूसरी बात में अपने पिताजी के बारे में क्या बताती है, क्या बताया? किनारा किया घड़ी भी रह कि रोके काटी, दाब गया मेरा हिया, गोपी चंद आ गात समझ कर जे लगा लिया, गोपी चंद आ गात समझ के कार जे लगा लिया। हेरे घड़ी भी रह कि रोके काटी, घड़ी भी रह कि रोके काटी, तुझ पे किया सबर बेटा, आज मेरे तन्यारा पाटे, यो भी कष्ट जबर बेटा, माँ की ममता
कैसी होती रात मैं नहीं खबर बेटा माँ की ममता कैसी होती मैं नहीं खबर बेटा हर तो बिन कौन सहारा मेरा रोई छाती भार अंकित भाई और प्रवीण भाई डब्बू भाई जी दोनों से निवेदन है दोनों से कम अगर डब्बू भाई नहीं आए तो आप आ जाओ निवेदन है आप दोनों आ जाएं ये महावीर जी हमारे इन दोनों नौजवानों से परिचित है वो हरियाणा की स्टार कलाकार सपना चौधरी जो आज बिग बॉस में उनका सिलेक्शन यार पहली बार आज 9 बजे उनका एक बहुत ही बढ़िया सुंदर सा सॉन्ग भी आया था ये दोनों भाई प्रवीण जी और अंकित जी उनके पीएसओ के रूप में ये हमारा गैला करने के लिए यहाँ पर आए हैं इनसे निवेदन करूँगा कि आप यहाँ पर बैठ जाएं और ये निवेदन भी करूँगा आप सभी लोगों से वो हमारी टीम की जो स्टार कलाकार सपना चौधरी जी जिसकी ना उपस्थिति में आज हम लोग आपके बीच में कितने दिन को गई है सब लोग आप जानते हैं निवेदन करेंगे कि इस बिग बॉस में आपकी सपोर्ट और वोट की जरूरत पड़ेगी निवेदन करना चाहेंगे झोली फैला करके जिस कलाकार ने हरियाणा से उठ करके और मुंबई के बॉलीवुड में जाकर के अपना एक डंका बजाया है उसमें आपके सहयोग की वोट और सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी सभी लोगों से निवेदन है उस कलाकार की हौसला अफजाई के लिए भी जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जाए जोरदार ताली आइए कैसे बताए पुचकार रही अपनी माँ की ओड़े लखा ले कहने बारम बार रही अपनी जान खपाऊंगी न्यो सर धोने मार रही अपनी जान खपाऊंगी न्यो सर धोने मार रही अरे महारानी पागल सी हो भूली विकराल होगी संत महात्मा खड़े लखाते सबकी छाती घाल होगी चक्कर खाके गिरी धरण में रा पूरी तरह विकराल होगी चक्कर खाके गिरी धरण में पूरी तरह विकराल होगी हेरे न्यू बोली मेरी रहा मैं बेटा बिछा रहा तू बार मेरे चंद को अपने सीने से लगा करके वो मां मैना मंती रोने लगती है और ये कहने लगती है कि बेटा गोपीचंद तुझे मेरे साथ अपने घर वापस चलना होगा अगर तू अपने घर वापस नहीं जाएगा तो मैं तेरे धोने पर यहीं अपना सर पटक पटक के अपनी जान गवा दूंगी तू भी बड़ा ही मरीज है कोई जलंधर के पैरों में
के बिन बेटे के ना जाऊंगी, ऐसे वचन विचार करूं जिंदगी करूं जिंदगी खत्म यहीं पे, दिल में कच्ची धार थी करूं जिंदगी खत्म यहीं पे, दिल में कच्ची धार थी। अरे वीर बंदरी पास पहुंच गया उसकी धीर बंधा बैठा, मोह ममता में हुई बावली बहना ने समझावे छंद बना हरे राम बैसले कथा धर्म की गावे कितनी बात। और चौथी बात में वो माँ मैनावंती अपने बेटे के सामने रोने लगती है, अपने भाई से ये कह देती है कि भाई मैं तो अपने बेटे को तुझसे लेने के लिए आई हूँ जिसे मैंने जोग दिलाया था, और मेरे बेटे ने तो मेरे साथ जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया, अब मैं तेरे पास में कुछ आस लेके आई हूँ। कैसे कहने लगी क्या बताया, ममता में हुई बावड़ी बहना ने समझावे छंद बना हरे राम बैसले कथा धर्म की गावे।